तो इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक हिजाब केस को बड़ी बेंच को सौंपा गया है, बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है ये मामला। और जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, जस्टिस की ओर से कहा गया कि इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने के बारे में विचार हो रहा है। और इस पर जो दोनों पक्षों के वकील हैं उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है ये मामला, उसमें भेजा गया है। अब बड़ी बेंच ये तय करेगी जो कर्नाटक में ये जो हिजाब विवाद है जो इतना ज़्यादा गहराता जा रहा है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं सियासत भी बढ़ती जा रही है। और ये मामला अब सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर कहा जा रहा है कि ड्रेस कोड वहां पर भी लागू करने की तैयारी की जा रही है, हिजाब पर बैन लगाया जाएगा, और भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तो पिछले महीने इस विवाद की शुरुआत हुई जब उडुपी के कॉलेज में 6 छात्राएं वहां पर हिजाब पहनकर एंट्री की थी उन्होंने स्कूल में, और उसके बाद से वहां पर कुछ जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं वो भगवा गमछा पहनकर पहुंच गए, इसको लेकर काफी नारेबाजी हुई और हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कर्नाटक में 3 दिन तक स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और लगातार अलग अलग नेता बयान भी दे रहे हैं और उनकी राय भी इस मामले पर बटी हुई दिखाई दे रही है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह हमारी मर्जी है कि हमारी बेटियां क्या पहने, हम तय करेंगे कि वो क्या पहनेंगी, और जो लड़कियां इस तरह से हिजाब को लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। जयपाल शर्मा इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं। जयपाल, बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है केस? जी देखिए, बिल्कुल आज जैसे उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले के ऊपर में जरूर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही कोर्ट शुरू हुई उसी वक्त जो जस्टिस उनका कहना था कि इस पूरे मामले को जो है एक लार्जर बेंच को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले के अंदर ना पटिशन पे भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आज 2 पटिशन और आ गई थी, तो इस लिहाज से उनका मानना था कि इस मामले को लार्जर बेंच को दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले इसके ऊपर में जो दोनों ही पक्षों के वकील थे वो इसके ऊपर इसके लिए तैयार नहीं थे, उनका मानना था कि जो जस्टिस है उन्हीं को सुनना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का मन जरूर बनाया कि अगर आपको लगता है कि लार्जर बेंच को देना चाहिए तो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन कम से कम अगले 2 महीने के लिए उन्हें कोई एक इंटरिम ऑर्डर जरूर पास कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण है। काफी देर आर्गूमेंट के बाद फाइनली ये तय किया गया कि मैटर को लार्जर बेंच को दिया जाना है। हालांकि जो ऑर्डर पास किया गया है उसके तहत ये कहा गया है कि इस मामले से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी केस है से रिलेटेड मटेरियल है वो CBI को सौंपा जाएगा, उसके बाद CBI तय करेंगे कि वो इसे लार्जर बेंच को देना चाहते हैं या वो और किसी तरीके से इसका निपटारा करना चाहें, यानी कि किसी और जज को दे सकते हैं या इनको द्वारा भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है इस मैटर को जो है CBI के को सपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई मैटर कोर्ट के अंदर में आता है, कोई भी केस आता है, तो कौन जज उसको सुनेगा, कौन सी बेंच उसको सुनेगी, ये तमाम चीजें जो है वो CBI ही तय करते हैं। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि जो मैटर कोर्ट हॉल नंबर 10 में सुना जा रहा था अब वो एक बार फिर CBI के पास जाएगा और CBI उस पर तय करेंगे कि क्या इसे लार्जर बेंच को दिया जा सकता है। जी, लेकिन इसमें वक्त तो फिर काफी लग जाएगा और तब तक जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अब 3 दिन के लिए तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, इसको लेकर कोई डायरेक्शंस क्या कोर्ट की ओर से दिए गए? जी देखिए, अभी तक इस ओर से कोई डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने अगले 2 हफ्ते के लिए जो है सारा 144 कह सकते हैं लड़कियों, लेकिन ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास के इलाके में उन्होंने लगा दिया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की गैदरिंग को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगता है कि जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए राज्य सरकार शायद तमाम जो जिले हैं उनके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दे कि इसी तरह का प्रबंधन किया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई गैदरिंग ना हो पाए। हालांकि इस बीच में जो कोर्ट की तरफ से ये भी कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि बच्चे क्या पहन के आएंगे और क्या नहीं पहन के आ सकते, ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी थी। सिर्फ इसके कि अब CJI को इस मामले को जल्दी देखना होगा और उसके बाद उन्हें इस मामले को या तो लार्जर बेंच को सौंपना होगा या वो कोई और तरीका निकालेंगे।
जी, यानी कि एक तरह से अब सरकार को ये फैसला करना होगा कि अब संस्थाओं में अब जो ये 3 दिन का एक तरह से बंद कर दिए गए हैं, अब इसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। कोर्ट की ओर से किसी तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। इस पूरे मामले के अंदर में कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई निर्देश नहीं जारी किया। कोर्ट जी इस मामले को जो है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उनको दे दिया है, और ताकि वो इस मामले को ठीक है। ठीक है जयपाल, जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ी बेंच में तो ये मामला सौंप दिया गया है, लेकिन वक्त इसमें लगेगा। अब सीजेआई डिसाइड करेंगे अब उस बेंच में कौन कौन शामिल होगा, कितनी बड़ी ये बेंच होगी, लेकिन तब तक के लिए कोई निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं। अब बच्चे क्या पहनकर आए, ना पहनकर आए, तो काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीसी नागेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं। नागेश जी, जो कोर्ट की ओर से जो बातें आज कही गई हैं, उस पर अब कोई डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं, क्या फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अब तो ये बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है मामला। या कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ही डिसाइड करता है, इसके बारे में हम लोग बीच में बोलने का उचित नहीं है। और दूसरा चीज है, हमारा सर्कुलर एक्ट और रूल के अनुसार ही है, इस कारण से तब तक कोर्ट निर्णय देता है उस दिन तक ये सर्कुलर चलता ही जी। यानी कि नागेश जी, जो बच्चे वहां पर आएंगे अभी स्कूल कॉलेज में, आपने जो गाइडलाइंस अभी तक जारी की गई हैं कि हिजाब पहनकर नहीं आना है, हाँ, तो वो पहनकर नहीं आ सकते? मैं हिजाब का बारे में कहीं नहीं बोला है। हम लोग बोला है विद्यार्थी बच्चों के लिए, अगर आप लोग शाला आने स्कूल आना का इच्छा है तो यूनिफॉर्म फॉलो करो। यूनिफॉर्म क्या एसडीएम से ने फिक्स किया, कर्नाटक एजुकेशन के एक्ट के अनुसार, रूल 11 के अनुसार, उसको फॉलो करने के लिए हम लोग बोला है जी। और 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज वहां पर बंद कर दिए गए थे, लेकिन जिस तरह के तनावपूर्ण हालात हम नागेश जी देख रहे हैं, क्या इस टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है या स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे 3 दिन के बाद? देखता हूं क्या परिस्थिति होता है, कारण हम लोग सोचा था कोर्ट का निर्णय आ सकता है, कोर्ट के निर्णय के अनुसार बाद में सोच सकता है, ऐसा सोचा था, मगर अभी कोर्ट में फाइनली क्या होता है देखकर बाद में सरकार ने डिसाइड करता है जी। नागेश जी, अभी आप सुन रहे होंगे बहुत से नेताओं की ओर से भी बयान दिए जा रहे हैं, असुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनकी ओर से भी कहा गया कि ये तो किसी की मर्जी है कि वो क्या पहनकर आना चाहता है, और ये अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? किसको एक्ट मालूम नहीं होता है, किसको रूल मालूम नहीं होता है, क्या ये उसके बारे में मैं क्या बोल सकता है? उसको एक ही बार यूपी का मुसलमान का वोट दिख रहा है, वालों कुछ भी बोल सकता है। इलेक्शन के लिए बोलने वाला के बात हम लोग सीरियस में नहीं लेता है जी। कुछ ऐसी भी अफवाहें हैं कि हिजाब पर बैन लगा दिया गया है, तो लोगों की क्लैरिटी के लिए आप बता दीजिए कि क्या फैसला किया गया है। यह सब झूठ है। हिजाब के लिए हम कभी भी बैन नहीं किया है। हम लोग में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के अनुसार रूल क्या बनाया है, वह 1995 में क्या रूल बनाया है, वह रूल के अनुसार हर एसडीएमसी ने इसका यूनिफॉर्म फिक्स करने का अधिकार है, वह क्या अधिकार, उसका अधिकार से क्या समवस्त्र डाला है, इसको फॉलो करना पड़ेगा कर्नाटक एक्ट के अनुसार, रूल के अनुसार। वह हर बच्चा कौन स्कूल को जाना है, क्लास में पढ़ाई सुनना है, वह इस यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा। और एक बार आपसे भी या बच्चों को निवेदन करता है, आपका शिक्षण बहुत शिक्षण के लिए आप लोग इतना दूर से आ रहा है, उसके कंटिन्यू करने के लिए डिसिप्लिन से आप लोग वह कॉलेज मैनेजमेंट क्या समवस्त डाला है वह फॉलो करके
आपका शिक्षण कंटिन्यू करने के लिए मैं मनवी करता हूँ। जी नागे जी, मेरा आखिरी सवाल है, असुद्दीन ओवैसी ने यह बात भी कही है, केरल हाई कोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं कि पहले जजमेंट इस तरह के आ चुके हैं और ये कहा गया स्टूडेंट से कि वो जो चाहें पहनकर जा सकते हैं शिक्षा के मंदिर में, किसी तरह की रोक नहीं है, और ये माहौल को खराब करने की जानबूझ कर कोशिश की जा रही है। पहले जब रोक नहीं थी तो अचानक से ये बात कहां से आ गई? आप भी हाईकोर्ट का जजमेंट आप देख सकता है। उधर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने एक लड़की ने एजुकेशन का यूनिफॉर्म के विरोध में वालो कोर्ट गया था, हाईकोर्ट ने बराबर आर्डर दिया है। आप इंस्टीट्यूशन को एवरी राइट है टू प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म एंड एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो दैट एंड इन दैट ऑर्डर दे आर स्पेसिफिकली सेड हेड कवर इज नॉट एन यूनिफॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया नागेश जी हमसे बात करने के लिए। तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं कि किसी तरह का बैन अभी नहीं लगाया गया है, कोर्ट की जो बड़ी बेंच है उसको ये मामला सौंप दिया गया है, वही फैसला करेगी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन तब तक जो डायरेक्शंस अभी तक लागू की गई थी कर्नाटक सरकार की ओर से वो वहां के शिक्षण संस्थाओं में लागू रहे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।